आमृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भूमिर्णन्ति ये भूरिदाजना। नमस्कार, आइए वचनामृत के चिंतन को आगे बढ़ाते हुए हम परिच्छेद 14 में प्रवेश कर रहे हैं। तारीख 28 अक्टूबर 1882। इस चौदहवें अध्याय परिच्छेद 14 के इसका शीर्षक है सीटी का ब्राह्म समाज शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के साथ वार्तालाप और आनंद। ये इसका मुख्य शीर्षक है इस अध्याय का। और इस अध्याय के अंतर्गत हम लगभग सात इसके सब टाइटल्स हैं जिनको लेकर हम चिंतन करेंगे। तो परिच्छेद 14 या अध्याय 14 के अंतर्गत पहला जो परिच्छेद या पहला सब टाइटल बोलिए उसका शीर्षक है उत्सव मंदिर। भगवान श्री रामकृष्ण सीथी का ब्राह्म समाज देखने आए हैं 28 अक्टूबर 1882 ईस्वी सन शनिवार अश्विन की कृष्णा द्वितीया। आज यहाँ ब्राह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा, इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत मेणिमाधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं। इसी बगीचे में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्राह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्राह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को आप केशव सेन और भक्तों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखुरी को निकले थे। सीथी पाई पाड़ा के पास हैं, कलकत्ते से 3 मील उत्तर दिशा में। स्थान निर्जन और मनोहर हैं, ईश्वरोपासना के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। बगीचे के मालिक साल में 2 बार उत्सव मनाते हैं, एक बार शरद काल में और एक बार वसंत में। इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीधी के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अतः आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे, वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा, अतएव उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे, उनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे, मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेममय देव दुर्लभ नृत्य। दोपहर को बगीचे में आदमी ठसाठस भर गए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहे हैं। कितने ही लोग समाज गृह में पहले ही से जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण के आने की बाट जो रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। शरद के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छानकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है। सारी प्रकृति माने मधुर स्वर से गा रही है। आज हर्ष शीतल समीर भरते भक्तों के ऊर्व में विभू सभी उत्कंठित हो रहे हैं।
ऐसे समय श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर समाज गृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सभागृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वह जगह आदमियों से भर गई है। सामने दालान है, वहाँ श्री रामकृष्ण बैठे हैं। वहाँ भी लोग जम गए हैं। दालान के दोनों और दो कमरे हैं, वहाँ भी लोग हैं। सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक होकर श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहाँ से कुछ दूर पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर भी लोग टक लगाकर महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर फल और फूलों की पेड़ों की कतार लगी हुई है। बीच में रास्ता है। सभी पेड़ हवा की झोंकों से धीरे धीरे डोल रहे हैं, मानो वे आनंद मग्न हो नतमस्तक नवाकर उनका स्वागत कर रहे हो। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंद मूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता तब तक दर्शक वृंदों में कोई हंसता है, कोई विषय चर्चा छेड़ता है, कोई अकेला या दोस्तों के साथ टहलता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है। परंतु पर्दा उठते ही सब लोग बातचीत बंद कर अनन्य चित्त होकर एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं, अथवा एक फूल से दूसरे फूल में मंडराने वाले भौने कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को छोड़कर पद्म मधु का पान करने के लिए भागे चले आते हैं। और यहाँ ये परिच्छेद 14 का ये पहला भाग खत्म होता है। तो वैसे इस भाग में क्या वर्णन किया गया है इसको अगर हम देखें तो विशेष रूप से यहाँ हम देखेंगे कि एक तरफ सिंधी के ब्राह्म समाज जहाँ ये उत्सव हो रहा है उस स्थान का वर्णन मिलता है। उसी के साथ साथ ये जो शरद ऋतु है इस ऋतु के आगमन से निसर्ग में या प्रकृति में जो एक परिवर्तन दिखाई देता है उसके साथ साथ वो जो प्रकृति का सुंदर खिला हुआ रूप पेड़ों और फूलों के और फल के पेड़ों पर लगे हुए फल फूल एकंदर ये जो पूरा वातावरण है तो उस अपूर्व निसर्ग की जो ये एक अपूर्व सौंदर्य है एक तरह से, यानी आबोहवा जैसे हम कह सकते हैं, क्लाइमेट आजकल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, द क्लाइमेट वॉज सो नाइस, यानी सब कुछ ऐसा मनुष्य में आह्लाद उल्लाद उत्साह ऊर्जा जगाने वाला है। Everything seems to be so much favorable for a man to feel happy. और तीसरा ये जो वर्णन है जो खास करके श्री रामकृष्ण देव को लेकर है उनका जो वर्णन है, तो ये सभी तीन बातें यहाँ विशेष रूप से हम देख रहे हैं। दूसरी एक बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो सीधी पाइक पाड़ा के पास हैं जहाँ ये सब लोग ब्राह्म समाज वाले ये सब ब्राह्म भक्त इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त जिन्होंने ये सब लिपिबद्ध किया है वे जब श्री रामकृष्ण देव के बारे में बताना चाह रहे हैं तो वो जो बात है फिर से मैं शायद थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। श्री रामकृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पे चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से
श्रीयुत मेरी माधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुंचे हैं। इस बगीचे में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्राह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्राह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को आप केशव सेन और भक्तों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। ये जो छोटा सा वर्णन प्रारंभ होता है, यहाँ श्री रामकृष्ण देव को लेकर ही भी वर्णन है। वेणी माधव पाल के मनोहर बगीचे का भी एक छोटा सा उल्लेख आ जाता है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव के अंतःकरण में ब्राह्म समाज को लेकर बहुत प्यार है और इधर ब्राह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। तो एक तरह से यहाँ ये जो भक्ति शास्त्र का सिद्धांत सामने आता है कि एक भक्त को या एक आध्यात्मिक साधक को यह अपने इष्ट देवता के प्रति, अपने साधन भजन के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, उस पर श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, वैसे देखा जाए तो भगवान बोलिए, परमात्मा बोलिए, परमेश्वर बोलिए, वे जब नररूप धारण करके आते हैं तो बेसिकली उनका जो प्यार है वो कोई व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं होता, वह किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं होता। वैसे पूरा विश्व ही उनसे ही एक प्रकार से उसका सृजन होकर वह परब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ परब्रह्म है ही नहीं, और विशेष रूप में मानव में तो यह परब्रह्म की जो प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है, वो बहुत उच्च कोटि का है। यूं कहिए इट इज मैक्सिमम, यानी श्री रामकृष्ण देव की भाषा में शक्ति तो सब में ही होती है लेकिन किसी किसी व्यक्ति में वो विशेष रूप से तेजस्वी रहती है। तो उसी तरह ये जो हमारा सनातन धर्म कहता है कि 84 लक्ष योनियों में, एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे योनि से तीसरे योनि में जन्म लेता हुआ यह जो जीव होता है, एक तरह से चैतन्य है, वह फाइनली मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। यानी इन इट्स ओन वे मैनिफेस्टेशन ऑफ मैन कही है ये जो मनुष्य का जन्म है। सो मानव जन्म ही दैट इज द मोस्ट परफेक्ट एंड द बेस्ट क्रिएशन अमंगस्ट द क्रिएशन। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जो कुछ भी जन्म ले चुका है, चाहे वो कोई छोटा सा फूल हो, चाहे छोटा सा फल हो, छोटे से छोटे जीव से लेकर मनुष्य तक, ये जो एक नंबर बताया गया है 84 लक्ष योनि, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल सिंबॉलिक एक तरह से, आफ्टर सो मेनी बर्थ्स। तो ये आफ्टर सो मेनी बर्थ्स इन इट्स ओन वे यहाँ जीव जो है एक तरह से छोटे सत्य से बड़े सत्य की ओर बढ़ता जा रहा है, और उसमें बार बार वो जो एक तरह से प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट की तरह ही कुछ मिलता जुलता ही है कि क्रिएशन में बेटर 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 क्रिएशन, बेटर क्रिएशन करते करते ये काफ़ी हद तक एक परफेक्ट इंसान मनुष्य की सृष्टि। वर्णन आता है शास्त्र ग्रंथों में कि भगवान ने जब मनुष्य को निर्माण किया तो वह बड़ा खुश हुआ। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि हमारे रामकृष्ण संघ के संघ गुरु वाइस प्रेसिडेंट श्रीमद स्वामी
तपस्यानंद जी महाराज, जो महापुरुष महाराज शिवानंद जी के शिष्य थे, अक्सर ये कहते थे कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी जैसे भगवान दिखने में विद्या बुद्धि में कुछ उसी तरह मनुष्य भी भगवान के समान ही हैं, कुछ उसी तरह, नॉट इन टोटो, नॉट इन 100%, लेकिन हाँ अंतर क्या है? तो अंतर तो यही है कि परम ब्रह्म परमात्मा जो नित्य है, जो कभी नाशवान नहीं है, वह हमेशा ही है और वे संपूर्ण रूप से अपने स्वस्वरूप में ही विराजमान रहते हैं एक तरह से। और जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश होते हुए भी अपने आप को भगवान से विच्युत दूर होकर इस देहादि से जुड़ गया है। शंकराचार्य कहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मिथुनीकृत्य, मिक्सिंग अप। एक तरह से ये चैतन्य जो है या आत्मा जिसे कहते हैं, तो यहाँ आत्मा परमात्मा से अलग जैसे हो गया है और अलग इव यानी जैसे हो गया, एक्चुअली वो अलग हुआ ही नहीं है लेकिन अलग हुआ जैसा दिख रहा है और इस देह के साथ एक अहम बोध लेकर अपना एक जैसे उसने स्थान बना लिया है। ऑफ कोर्स दिस इज भगवान ने या परमेश्वर ने ये सृजन का जो किया है और उसमें जो शक्ति की भूमिका है, तो जीव को सृजन करने के बाद में जीव में स्वस्वरूप तक पहुंचने की संपूर्ण क्षमता होते हुए भी जीव को ये ब्रह्म शक्ति ने अपने माया के जाल में इस कदर अंधा कर लिया है कि जीव उसको इस देह से जुड़कर इसी को वह सत्य मानने लगा है और वह जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा का एक अंश है वह भूल गया है। यूसी हमारे पांव से लेकर पूरे सर तक कहीं भी कुछ जख्म हो जाए, कुछ चोट लगे, तो जैसे पूरे बदन को इसका एक तरह से अनुभव हो जाता है। बिकॉज अवर बॉडी इज ए यूनिट, अवर बॉडी इज ए यूनिट, ऊपर से हमको कुछ दिखाई ना भी दें लेकिन सत्य तो यही है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, एवरी ऑर्गन ऑफ अवर होल बॉडी इज वन वे और द अदर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं। एक का फंक्शन अगर गलत हो जाता है तो उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है। तो उसी तरह कुछ वैसा ही यह जब व्यक्तिगत लेवल पर हम अनुभव कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही एक्चुअली समष्टि के रूप में भी है। वास्तव में हम उस परमात्मा ही उसी के हैं, उसी में बसे हुए हैं, उसी के आधार से हमारा सब कार्यकलाप हो रहा है। इसीलिए ये जो ब्राह्म समाज को श्री रामकृष्ण बहुत प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार से मुझे लगता है कि दिस इज ए काइंड ऑफ ए सिंबॉलिज्म दैट द परब्रह्म और परमात्मा परमेश्वर, उन्होंने ये जो नर रूप धारण किया है, इट इज नॉट जस्ट फॉर ब्राह्मो समाज या कुछ चुने हुए लोगों के लिए उन्होंने नर रूप धारण नहीं किया है, उनके हृदय में सकल मानव जाति के प्रति ही प्यार है। तो ये दो बातें यहाँ बड़ी सुंदर मुझे लग रही है कि ब्राह्मो समाज को श्री रामकृष्ण देव प्यार कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य
श्री रामकृष्ण जो साक्षात परब्रह्म के अवतार हैं, उनका तो सारे विश्व पर प्रेम है, उनके लिए कोई पराया नहीं है। लेकिन हम जो लिमिटेड बन गए हैं, तो हम ब्राह्मण समाजी हैं, हम वैष्णव संप्रदाय के हैं, हम शिव जी के उपासक हैं, हम शक्ति के उपासक हैं, इस तरह से हमने अपने आप को कंडीशन्ड कर लिया है। लेकिन जो भी हमारी कंडीशन हो, चाहे आप वैष्णव संप्रदाय के हो या चाहे शिव जी के भक्त हो, चाहे शक्ति के उपासक हो, मूल बात है ईश्वर के एकत्व पर विश्वास। ये जो उपनिषद की बात आती है, वेद की बात आती है कि एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, परम सत्य तो एक ही है। हाँ, विप्र यानी एक तरह से मनुष्य उसको अलग अलग रूप में व्यक्त करता हुआ नजर आता है। एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, अर्थात परम सत्य एक ही है, वही परम सत्य विविध रूपों में जैसे प्रकट हो गया है, तो वह शिव जी के रूप में प्रकट हुआ है, वेद विष्णु के रूप में प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुआ है, और भी देवी देवताओं के रूप में प्रकट हुआ है, और वही परम सत्य नर रूप धारण करके अवतार रूप में भी आते हैं। हमारा सनातन धर्म यह तो मानता ही आ रहा है। जयदेव जी का दशाव स्तोत्र तो बहुत से लोग जानते ही होंगे, जहाँ सृष्टि के इस इतिहास को एक तरह से अगर हम देखें तो मत्स्यावतार, कुर्मावतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इस तरह से एक के बाद एक अवतार का जो वर्णन हम देख रहे हैं, उसमें भी एक क्रम विकास दिखाई दे रहा है। कि अगर मछली देखें आप, तो मछली संपूर्ण रूप से जल में ही रहती है, लेकिन कछुआ जो है, दैट इज अ मोर बेटर क्रिएशन बोल सकते हैं, क्योंकि कछुआ पृथ्वी पर भी, जमीन पर भी रहता है, रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। उससे बेटर मोर परफेक्ट क्रिएशन अगर देखें तो वराह, जो जमीन पर ही रहता है, उससे भी आगे चलकर नरसिंह यानी मानव और एनिमल का कॉम्बिनेशन। ऐसे करते करते फाइनली हम परशुराम, राम, कृष्ण की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से दशावतारों का वर्णन हमें बहुत कुछ बातें इस सृजन की, विश्व सृजन की बात समझाते हैं। कि सृजन में भी, इस विश्व संरचना में भी एक प्रकार का ये क्रम विकास, और जैसा मैंने कहा कि द ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, क्योंकि मनुष्य अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। उसके लिए आवश्यक क्या है प्रारंभिक जीवन में, ये जो आवश्यक बात है कि साधक को या मनुष्य को अपने आध्यात्मिक ध्येय को पहचानना, उसको जानना, उसको प्राप्त करने की दृष्टि से मैं क्या साधन भजन के रूप में कर सकता हूँ, इसकी भी थोड़ी सी जांच करके अपने लिए एक रास्ता चयन करना। तो वस्तुतः यहाँ ये सब मनुष्य किस आधार से करेगा, तो इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ द इंटेलेक्ट के देर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंटेलेक्ट, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट, सटल इंटेलेक्ट, शार्प इंटेलेक्ट, स्टेडी इंटेलेक्ट, तो हर एक चीज ये हमारे इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारी भावना के आधार से ही यह संभव होता है। अब यहाँ जो दूसरा वर्णन हम देखते हैं कि सभी लोग
श्री रामकृष्ण देव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे ये सीठी का, वेणी माधव पाल का मनोहर जो उद्यान है, बगीचा है, धीरे धीरे दोपहर तक खचाखच धसा धस भर गया है। इनिसोन वे यह हमें जरूर यह बात समझा दे रहा है कि श्री रामकृष्ण देव कितने पॉपुलर हो गए हैं। अब ये 1882 की बात है, आज अगर हम देखें तो वैसे श्री रामकृष्ण भावधारा का सारी पृथ्वी पर ही प्रवाह बहने लगा है। और ये जो सब लोग ठसा ठस जो जमा हो गए हैं, क्यों जमा हुए हैं उसका वर्णन करते हुए देख रहे हैं। अतएव उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे, उनका हृदय मूर्धकानी वचनामृत पान करेंगे, मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेममय देव दुर्लभ नृत्य। तो एक तरह से यह श्री रामकृष्ण देव का वर्णन है कि आनंद मूर्ति देखेंगे। तो ये आनंद मूर्ति कौन है? यह आनंद मूर्ति श्री रामकृष्ण है। श्री रामकृष्ण देव जिनके संपूर्ण व्यक्तिमत्व में जैसे आनंद छाया हुआ है, आनंद भरा हुआ है, और यह आनंद विषयानंद नहीं है, क्योंकि विषयानंद जो है वह विषय वस्तु जो होती है वह नाशवान है, और हमारी इंद्रियां जिसके आधार से हम विषय भोग करते हैं वह इंद्रियां भी एक तरह से नाशवान है, क्योंकि देह ही नाशवान है। पंचदशी में जो वर्णन आता है कि जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते विपक्षीयते नश्यति इत्यादि षड् विकारों का वर्णन आता है। मैंने पूरा वर्णन इंडिविजुअली तो नहीं बताता आपको, लेकिन ये जो षड् विकार हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, तो ये जो एक एक स्टेज होती है, और फाइनली मनुष्य जन्म आप देख ही रहे हैं कि बच्चा जन्म ग्रहण करता है, धीरे धीरे उसकी इंडिविजुअलिटी बढ़ने लगती है, उसके शरीर में बुद्धि में विकास होता नजर आने लगता है, फाइनली वही बालक युवावस्था तक पहुँचता है, युवावस्था से फिर वो मिडिल एज, बाद में वार्धक्य, इस तरह से पूरा देह ही परिवर्तनशील है, और फाइनली यह प्राण निकल जाते हैं तो यह देह, पंचभूतों का यह देह मिट्टी में मिल जाता है। तो श्री रामकृष्ण देव की जो आनंद मूर्ति यहाँ प्रस्तुत हो रही है, तो श्री रामकृष्ण देव बाह्यतः अगर देखें तो उन्होंने भी तो नर रूप धारण किया है, देह है तो वो नाशवान ही होगा ना। और वैसे भी वही बात सत्य है एक तरह से कि देह रूपी श्री रामकृष्ण आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन चिन्मय रूप श्री रामकृष्ण, परम ब्रह्म स्वरूप श्री रामकृष्ण आज भी विद्यमान है, और उनके दिव्य चरित्र का अनुपान करने से, अनुध्यान करने से व्यक्ति निश्चित ही आनंद पाता है। ये जो हम वचनामृत की बातें लेकर चिंतन कर रहे हैं, वचनामृत का अनुध्यान कर रहे हैं, वचनामृत की बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी एक आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। एक्चुअली देखिए, मुझे लगता है अगर हम YouTube खोलकर देखेंगे तो वचनामृत पर आज हमको कितने ही ऐसे प्रवचन प्राप्त हो जाएंगे। हर विभिन्न सेंटरों में, रामकृष्ण संघ के शाखा केंद्रों में, प्राइवेट सेंटर्स में, भक्तों के घर, जगह जगह
श्री रामकृष्ण देव के वचनामृत का वाचन पठन चिंतन मनन होता जा रहा है। YouTube पर कितने ही बंगाली में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, कितनी भाषा में, विविध भाषा में शायद, और अलग अलग स्वामी, रामकृष्ण संघ के अलग अलग स्वामी, उनके द्वारा वचनामृत का चिंतन प्रस्तुत हो रहा है। हर भाषा और वक्ता के साथ जिनका ट्यूनिंग हो गया है, उनका उनके वचन भक्त लोग सुन रहे हैं, साधक लोग सुन रहे हैं, आध्यात्मिक सुरहा जिनके अंतकरण में है वे सब लोग सुन रहे हैं और अपने अपने ढंग से उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो एक तरह से देहधारी श्री रामकृष्ण है नहीं है, बट किंतु उनकी यह वाणी रूप, यह जो वे जो उपस्थित हैं, वचनामृत की ये एक तरह से खासियत है, विशेषता है। वचनामृत का अध्ययन करते करते बहुत बार जैसे हम धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं, सब कुछ जैसे वर्तमान में ही घट रहा है ऐसा फीलिंग अंतकरण में जाग उठता है, और नोइंगली या अननोइंगली वी स्टार्ट लिविंग वचनामृत। वचनामृत के साथ हम इस कदर एक रूप हो जाते हैं जो हमें एक तरह से कालातीत काल के ऊपर ले जाता है। तो इस सब को लेकर अगले प्रवचन में चिंतन करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।